हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वन वर्स सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 है। ये वो वन वर्स सब्स्टिट्यूशन है जो एसएससी सीजीएल में 1999 से मार्च 2017 तक पूछे गए हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आता है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियंस मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिस वर्ड में PED ही आता है स्टार्टिंग में, उसका मतलब होता है फुट या फीट से रिलेटेड होता है, तो पैदल यात्री। नेक्स्ट, प्रीरोगेटिव प्रिविलेज, अ स्पेशल राइट बिलोंगिंग टू अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज रैंक। विशेषाधिकार, जो रैंक के अकॉर्डिंग वो बिलोंग करता है, स्पेशल राइट बिलोंग करता है। नेक्स्ट, पेडागॉग, समवन हु एजुकेट्स यंग पीपल, जो यंग पीपल को एजुकेट करते हैं, मतलब अध्यापक, टीचर जो होते हैं उनको बोलते हैं। प्रोप्रिएटर, एन ऑनर ऑफ अ शॉप होटल। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जिसके आगे आता है PRO, उसका मतलब होता है बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, फोर और फॉरवर्ड, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एन ऑनर ऑफ अ शॉप होटल मतलब मालिक। नेक्स्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर या बिहाइंड। अ पार्ट एडेड टू अ लेटर आफ्टर द राइटर हैज साइंड इट, जो किसी पत्र या लेख के समाप्त होने के बाद लिखा गया हो, इसमें आफ्टर आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल, अब इसमें PRO आ रहा है, तो इसका मतलब आपको मैंने अभी बताया, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, फोर या फॉरवर्ड। समथिंग दैट इज थ्रोन एज अ वेपन, समथिंग दैट इज थ्रोन एज अ वेपन, फेंक कर वार करने वाला हथियार। नेक्स्ट, पिलग्रिम, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस, तीर्थ यात्रा, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रीडिसेसर, इसमें आ रहा है PRE, उसका मतलब होता है अर्लियर, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। अ पर्सन हु हैज हैड अ पर्टिकुलर जॉब और पोजिशन बिफोर समवन एल्स, इसमें आ रहा है बिफोर, तो PRE जिसमें बिफोर, अर्लियर या इन फ्रंट ऑफ आता है, इसका मतलब होता है पूर्व अधिकारी या पूर्वज या बाप दादा जो होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट, पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स, पुराने लेखों का अध्ययन, जो पुराने लेख होते हैं उनका अध्ययन करना पैलियोग्राफी। नेक्स्ट, प्लेबियन, अ कॉमन पर्सन, साधारण व्यक्ति। नेक्स्ट, क्वेंड्री, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, उलझन की स्थिति। क्विल्ट, अ बेड कवर फिल्ड विद डाउन, फेदर्स एल्सेट्रा, रजाई जो होती है उसको बोलते हैं क्विल्ट। क्विस्ट, अ सर्च फॉर समथिंग, तलाश, खोज। क्वाड्रेनियल, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन फोर ईयर्स, अब इसमें आ रहा है QUAD, जहाँ पर आता है QUAD उसका मतलब होता है फोर से रिलेटेड, FOUR, फोर से रिलेटेड होता है, चार साल में एक बार होने वाली घटना। क्लियर फ्रेंड, समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ आ रहा हो। द नेक्स्ट इज क्विंकीनियल, अब इसमें आ रहा है QUIN, जहाँ पर QUIN आता है वो रिलेटेड होता है 5 से। अब देखते हैं, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार होने वाली घटना। क्वेश्चनरी, लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली फॉर समथिंग, सूची, एक सूची होती है क्वेश्चंस की। क्वैक चार्लेटन, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली क्लेम्स टू हैव मेडिकल क्वालिफिकेशन, नीम हकीम, झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं उनको बोलते हैं क्वैक। नेक्स्ट, रूमेटिज्म, अ डिसीज विच कॉसेस स्टिफनेस एंड पेन इन वंस जॉइंट, गठिया रोग, हड्डी जोड़ों में होने वाला दर्द। रेटिन्यू, अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, ऑफिशियल्स, हेल्पर्स एल्सेट्रा, किसी व्यक्ति के नौकर चाकर या साथ काम करने वाले लोगों का समूह। नेक्स्ट है रोस्ट्रम, अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पब्लिक स्पीकर स्टैंड्स, मंच जहाँ से कोई नेता आदि भाषण दे, पोडियम। आपको मैंने बताया था POD जहाँ पर आता है उसका रिलेटेड होता है फुट या फीट से। अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अ लेक्चरर, म्यूजिकल कंडक्टर, एल्सेक्टर स्टैंड्स, मंच जहाँ खड़ा होकर कोई मास्टर पढ़ाए,
एक प्लेटफॉर्म हो गया खड़े रहने का स्थान, तो उसको बोलते हैं पोडियम। नेक्स्ट प्रोसेनियम, द पार्ट ऑफ अ स्टेज दैट इज फ्रंट ऑफ द कर्टन, मंच पर पर्दे के आगे की जगह। रिपार्टी, जहाँ पर आर ई आता है उसका मतलब होता है अगेन, बैक या बैकवर्ड। अ मीटिंग इन विच क्लेवर स्टेटमेंट्स एंड रिप्लाइज आर मेड क्विकली, हाजिर जवाबी, जहाँ सवालों के उत्तर चतुराई से वे समझदारी से दिए जाएं। रेफरी, अ पर्सन हु कंट्रोल्स बॉक्सिंग फुटबॉल एक्सेट्रा मैचेस, मेक श्योर दैट द रूल्स आर नॉट ब्रोकन। रेफरी जो होते हैं, जैसे क्रिकेट में जो रेफरी होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि रूल ब्रोक ना हो। नेक्स्ट रेड टेपिस, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ज़्यादा रोप झाड़ना, बहुत ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ज़्यादा रोप झाड़ना। रेनफोर्समेंट, मैन एडिड टू एन आर्मी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इन, इसका मतलब होता है जलीय सेना की सहायता के लिए अतिरिक्त सैनिक या जहाज भेजना, जो जल सेना होती है उनकी सहायता के लिए जहाज भेजना या और सैनिक भेजना। रिकॉल, जहाँ पर आर ई आता है, मैंने आपको बताया था अगेन, बैक या बैकवर्ड। एंड ऑर्डर टू रिटर्न मतलब दोबारा कॉल करना, अगेन लौटने का आदेश। रैनसम, अ सम ऑफ मनी पेड फॉर द फ्रीइंग ऑफ अ प्रिजनर, फिरौती, छुड़ाने के लिए फिरौती देने किसी किडनैपर आदि को, किसी किडनैपर आदि को फिरौती देना, उसका होता है रैनसम। रिदम, अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स, ताल, ताल होती है रिदम। हिजिट, कंप्लीटली स्टिफ, नॉट एबल टू बी बेंट ईजली, जो आसानी से ना मुड़े, उसको बोलते हैं हिजिट। नेक्स्ट रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रो का मतलब होता है हमारा बैकवर्ड या बैक, प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, अतीत के बारे में सोचना, इसमें आ रहा है रेट्रो मीन्स बैक। नेक्स्ट रिवाइव, टू बिकम स्ट्रॉन्ग हेल्दी और एक्टिव अगेन, मैंने आपको बताया था जहाँ आर ई आता है उसका मतलब होता है अगेन, इसमें भी आर ई आ रहा है, इसका होता है फिर से जीवित करना, अगेन फिर से जीवित करना। कॉन्वेलेसेंट, रिक्यूपरेट, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, इसमें भी आफ्टर आ रहा है, जो एक लंबी या छोटी बीमारी के बाद पूर्व दशा में आ जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जिसे दोबारा, मतलब बीमारी के बाद वो दोबारा अच्छा हो जाए, रिकवर करे, उसको बोलते हैं रिक्यूपरेट। रिजुविनेट, टू मेक यंग अगेन, इसमें भी अगेन आ रहा है, आर ई से शुरू होता है वर्ड तो अगेन आ रहा है, नया करना, जैसे पुरानी कार को नया करना। नेक्स्ट रिसिसिएटेट, टू ब्रिंग अ पर्सन बैक टू कॉन्शियसनेस, जैसे कोई बेहोश हो गया हो उसे मरने की स्थिति से पुनः उभरे, इसमें भी आ रहा है बैक, तो उसका आर ई का मतलब होता है बैक अगेन या बैकवर्ड, तो ये आर ई से शुरू होता है तो इसमें बैक आ रहा है, वो बैक से रिलेटेड होता है, दोबारा उस स्थिति में आना। नेक्स्ट रेफरेंडम, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, जनमत संग्रह। रिस्टर, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, वह पैमाना जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाए, रिक्टर पैमाना होता है ना, उसको बोल। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ट्रिक्स इसकी समझ में आई हो कि किस वर्ड से रिलेटेड होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।